एजी ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨੇ ਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਤੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ। एजी का इस्तीफा मंजूर होने तो बाद पंजाब कांग्रेस नूं घेर रहे मंत्री मनीष तिवारी तो बाद जाखड़ ने चुके सवाल ट्वीट कर कहा, एक समर्थ पर कथित तौर से समझौता अधिकारी नूं हटाए जाण नाल समझौता मुख्यमंत्री का चेहरा होया बेनकाब। हुण वड्डा सवाल यह है कि आखिर सरकार किसदी। आम आदमी पार्टी नूं लगा वड्डा झटका, बठिंडा दिहाती तो विधायक रुपिंदर कौर रूबी पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो दिता इस्तीफा। इस्तीफे तो पहला रुपिंदर कौर रूबी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते कांग्रेस के सीनियर लीडरां नाल कीती सी मुलाकात। इस्तीफा देने तो बाद रुपिंदर कौर रूबी नूं सोशल मीडिया तो मिल रही है लताड़ा। आप विधायक हरपाल चीमा ने भी लई इस्तीफे ते चुटकी ट्वीट कर कहा, कांग्रेस रूबी नूं जरूर देवे टिकट क्योंकि उसनूं आप वल्लों वैसे भी टिकट नहीं मिलनी सी। उम्मीद है कांग्रेस रूबी नाल धोखा ना करे। उधर दूजे पासे रुपिंदर कौर रूबी ने हरपाल चीमा नूं दिता मूंह तोड़वां जवाब, ट्वीट कर कहा, तुहानूं भी पता पार्टी पंजाब नूं कित्थे लैके जा रही है। मैं चुपचाप नहीं देख सकती, जब तुहाडा बोलण दा समां सी तुहाडे तों बोलिया नहीं गया, ना पंजाब दे लोकां लई ना भगवंत मान लई। रही टिकट दी गल, तुसीं मेरे खिलाफ चोण लड़ के देख लो। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग लगातार एक्शन मोड च आ रहे नजर। मोहाली विखे की गई बसों की चैकिंग दौरान बिना परमिट तो चलने वाली इंडो कनेडियन बस नूं कीता गया इंपाउंड, देर रात जीरकपुर च भी कीती सी छापेमारी। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिता अपने काम का ब्यौरा। पीआरटीसी नूं सितंबर च 39 करोड़ रुपए की कीती गई कमाई, जबकि पनबस ने 34.15 करोड़ रुपए कमाए। अक्तूबर च 304 बसा जब्त, 7 करोड़ रुपए डिफाल्टर तो आए थे। एक महीने च रेवन्यू कलैक्शन च होया 31 करोड़ का इजाफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान राजा वड़िंग ने सुखबीर बादल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जमके साथ दा निशाना। कैप्टन नूं दस्सिया कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम, कहा 10 साल अकालियां ने, फिर कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम ने 4 साल तक लुटिया पंजाब। 14.5 साल च पंजाब नूं होया 5,220 करोड़ दा नुकसान। ट्रांसपोर्ट मंत्री वालों तड़ातड़ ले जा रहे एक्शन तो बाद लोगों वालों मंत्री नूं वीडियो बना के रोडवेज दीआं बसां दी हालत की जा रही है। बयान, श्री मुक्तसर साहिब दे पिंड रूपाणा विखे सवारियां नाल भरी रोडवेज दी बस बंद होण दा आण तों बाद धक्का लगाउंदियां सवारियां दी वीडियो होई वायरल। पंजाब इंफोटेक के चेयरमैन सुरेंद्र मोहन सिंह संधू ने दिता इस्तीफा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते चुके सवाल, कहा सिर्फ गल्लां करदे काम नहीं आउंदा करना। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कीती तारीफ, कैप्टन दी पार्टी दा बन सकदे ने हिस्सा। फिरोजपुर विखे साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दी फेरी दौरान होया माहौल तनावपूर्ण। किसानां वल्लों हरसिमरत कौर बादल दे विरोध च दिखाईआं गईआं कालीआं झंडीआं, जिस तों बाद अकाली ते कांग्रेसी वर्कर वी होया आमो सामणे। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की फिरोजपुर फेरी दौरान श्रोमणी अकाली दल के जिला जथेदार हरदेव सिंह नौनी मान से होया जानलेवा हमला। किसानों के काफिले च शामिल को जान पछाते लोगों वालों गड्डी रोक के की गई भनतोड़। हरदेव सिंह नौनी मान के नाल फिरोजपुर देहाती हलके के साबका विधायक जोगिंदर सिंह भी गड्डी च सन मौजूद। हमले दौरान बचाव लई नौनी मान के गनमैन वालों किए गए हवाई फायर, जबकि हमलावरों वालों गनमैन की फाड़ी गई वर्दी। आम आदमी पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो इस्तीफा देने तो बाद रुपिंदर रूबी हुई कांग्रेस से शामिल। बठिंडा देहाती तो विधायकों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू ते हरीश चौधरी ने करवाया ज्वाइन। कांग्रेस से शामिल होने तो बाद रूबी का कहना, भगवंत मान नूं काफी लीडर के सुझाव तो बाद भी सीएम चेहरा नहीं ऐलाना गया, जिसका नुकसान पार्टी 2022 दी चोणां च होना तय। पंजाब कैबिनेट च कच्चे मुलाजमान पक्के करने के दावे का पनवस। कर्मचारियों ने किया भांडाफोड़, कहा मौजूदा सूबा सरकार वालों वर्कर नाल झूठा वादा करके टाइम टपाया जा रहा। कांग्रेस सरकार खिलाफ बसों च 15 नवंबर तो शुरू किया जाएगा भंडी प्रचार। बरनाला के पीआरटीसी डिपो के हैंडीकैप्ड पीड़ित कर्मचारी ने पानी की टंकी से चढ़ लगाई इंसाफ की गुहार। 15 दिन पहला राजा वड़िंग नाल मुलाकात करने तो बाद भी नहीं मिलिया इंसाफ। मशीन की चोरी के कबलेबाजी के मामले च फसे नौजवान की नहीं सुनी गई पुकार। अमृतसर के सुल्तानवीर रोड से नौजवान वालों खुदकुशी। कुछ महीने पहले मृतक के गुआंढियों नाल हुई सी लड़ाई पर कांग्रेसी विधायक के दबाव कारण पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, उल्टा मृतक के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गया परेशान। विधायक के पीए से लगा मौत का इल्जाम। तरन तारण के कस्बा चोला साहिब विखे बीती रात को जन पछाते व्यक्तियों वालों एक कपड़ा व्यापारी के परिवार को कर्ज बंदी बना के 6 किलो सोने के गहने से 60 लाख रुपए की की गई लुट। पुलिस वालों मामले की जांच पड़ताल जारी। बरनाला के शेखा रोड च गली नंबर 5 च एक पति वालों अपनी पत्नी के सिर ते रोड मार के कतल करने का मामला आया सामने। 1 साल पहला दोवां ने की सी लव मैरिज, कुछ समय तो पति कर रहा सी पत्नी तो पैसों की मांग, नशे की हालत च किया गया कतल। राजस्थान के बाड़मेर जिले के नेड़े यात्री बस और ट्रक विचाले टक्कर होने करके लगी अग। इस घटना दौरान घट्टो घट 5 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत और बचाव कार्यों को लेकर जिला कलैक्टर को दिए निर्देश। कानपुर सिटी के चीफ मैडिकल अफसर नेपाल सिंह के अनुसार मंगलवार यूपी के कानपुर में जीका वायरस के केसा की संचित गिनती 105 तक पहुंची।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਲਾਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ताइवान के दौरे बारे एक ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दौरान तिब्बत के अध्यात्मक नेता दलाई लामा का बयान कहा ताइवान अते चीन के संबंध काफ़ी नाजुक होने करके वह भारत विच रहना ही करते ने पसंद। पंजाब विच 2021 47,409 पराली साड़न दी घटनावां गई वापर जिन्हां विचों 72% 1 नवंबर तो 9 नवंबर तक कीतियां गई दर्ज। माहिरां दा कहना पराली साड़न दी घटनावां दा वधना चिंता दा विशा। छठ पूजा के दर्शनों तो पहला दिल्ली सरकार ने यमुना नदी तो जहरीले झग नूं हटाउण लई 15 किश्तियां कीतियां तैनात। IMD ने कहा कि मुंबई विच मंगलवार को घट्टो घट तापमान 20.2 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया जो कि इस सीजन विच हुण तक दा सब तो घट तापमान है। भारतीय मौसम विभाग ने 10 अते 11 नवंबर को बेंगलुरु ग्रामीण अते बेंगलुरु शहरी समेत कर्नाटक के कई जिलों विच येलो अलर्ट किया जारी। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नोवल स्टाफ का अगला मुखी किया जाएगा नियुक्त। रक्षा मंत्रालय ने कहा वाइस एडमिरल कुमार 3 नवंबर को संभालेंगे अपना अहुदा। वातावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार 11 नवंबर तो कूड़े को खुलेआम साड़न तो रोकने लई 1 महीना चलण वाली मुहिम करेगी शुरू। राय ने अगे कहा कि वह मुहिम स्थानक स्रोतों तो प्रदूषण होर घटाउण दी कोशिशां दा भी है हिस्सा। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान 29 नवंबर तो शुरू हो रहे संसद के सर्द रुत इजलास दौरान हर रोज 500 किसान संसद वल शांतमई ट्रैक्टर मार्च करनगे। भारतीय मौसम विभाग वालों राज के वख-वख खेतरां विच भारी बारिश की भविखबाणी तो बाद तमिलनाडु सरकार ने 9 जिलों विच बुधवार अते वीरवार नूं स्थानक छुट्टियां दा कीता ऐलान। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने नागरिक हत्यावां दे मद्देनज़र जम्मू कश्मीर विच 5 वाधू कंपनियां भेजणगे। CRPF ने कहा इह कंपनियां 1 हफ्ते के अंदर अंदर उत्थे कीतियां जाणगियां तैनात। ब्यूटी यूनिकॉर्न नायका दे शेयर मार्केट डेब्यू दे 99 तक वधन तो बाद संस्थापक फाल्गुनी नायर दी संपत्ति बुधवार नूं 6.5 बिलियन तक पहुंची जिस दे चलदे 58 साला फाल्गुनी भारत दी सब तो अमीर स्वैर निर्मित महिला अरबपति बन गई। नायका पेरेंट FSN ई कमर्स वेंचर ने बुधवार को NSE दे 2018 की सूची करते हुए एक मजबूत मार्केट शुरू की। स्टाक 1125 की IPO कीमत तो लगभग 80% के प्रीमियर नाल हुई सूचीबद्ध। नायका की स्टाक मार्केट की शुरुआत मौके संस्थापक फाल्गुनी नायर ने कहा मैं 50 साल की उम्र विच नायका की की सी शुरुआत परचून टेक्नोलॉजी सुंदरता जा फैशन का नहीं सी कोई तजर्बा। फार्म इजी पेरेंट API होल्डिंग्स ने ताज़ा इक्विटी जारी करके 6,250 करोड़ जुटाउण लई SEBI कोल IPO कागज किते दाखिल। नोबल शांति पुरस्कार जेतू मलाला यूसुफज़ई ने इंग्लैंड के बर्मिंघम विच एक छोटे जिहे समारोह विच होए अपने निकाह समारोह दीआं तस्वीरां सोशल मीडिया ते कीतीआं सांझीआं। अफगानिस्तान संकट दे भारत वल्लों करवाई जा रही 8 देशां दी वार्ता च राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि अफगानिस्तान च ताज़ा घटनावां ना सिर्फ उस देश दे लोकां लई सगों उस दे गुआंढियां लई खेतर लई भी रखदीआं हन अहमियत। जर्मनी की चांसलर एजेला मार्केल ने कहा कि तालिबान के कब्जे तो बाद अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही अफसोसजनक। बॉलीवुड फिल्म सत्यमेव जयते फिल्म के ट्रेलर तो बाद नोरा फतेही का आइटम नंबर कुसू कुसू रिलीज हो चुका है। नोरा फतेही और जोन इब्राहिम के इस आइटम नंबर फैंस काफी कर रहे हैं पसंद से। यूट्यूब से लगातार गाने के बढ़ रहे हैं व्यूज। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफज़ई के निकाह तो बाद बॉलीवुड हस्तियों वालों दी गई वधाई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने मलाला के विआह की फोटो शेयर करके लिखा वधाई होवे मलाला। इस अलावा कैटरीना कैफ लिली सिंह समेत कई पाकिस्तानी सेलेब्स ने दी वधाई। बॉलीवुड के लवबर्ड राजकुमार राव और गर्लफ्रेंड पत्रलेखा ने अपने रिश्ते अगे वधाउण का किया फैसला। 13 नवंबर को चंडीगढ़ विखे होगा दोहां का विआह। रिपोर्ट मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री तो लिमिटेड गैसट होंगे शामिल हालांकि अजे तक दोहां ने नहीं की विआह की अनाउंसमेंट। बिग बॉस 15 के घर च वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले राकेश बापट की घर च हुई अचानक तबीयत खराब किडनी स्टोन की शिकायत होने कारण विगड़ी सेहत के चलते करवाना पिया हस्पताल च भर्ती। राकेश के घर तो बाहर होने बेहद उदास नजर आई शमिता शेट्टी।
टीवी का सब तो विवादित शो बिग बॉस आज का एपीसोड होगा बेहद हैरान करने वाला। अफसाना खान सोच करती है खुद को चाकू मारने की कोशिश, नाल ही शमिता शेट्टी नाल बहसबाजी हुई फिजिकल, जिस तो बाद मेकर्स कर सकते हैं अफसाना शो तो बाहर। भारत ने न्यूजीलैंड खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20 सीरीज लई अपनी 16 मैंबरी टीम का किया ऐलान, सीरीज लई रोहित शर्मा नू बनाया गया कप्तान। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि UAE विच IPL 2021 का दूजा गेड़ खेडण नाल T20 विश्व कप 2021 तक के हालातों नू बेहतर तरीके नाल समझण विच मिली मदद। वेस्टइंडीज का सबका कप्तान क्लाइव लॉयड्स ने कहा कि विश्व कप का खिताब ना जितने नाल विराट कोहली बुरा कप्तान नहीं बन जाता, वह भारतीय टीम का बहुत वधिया खिडारी रहा है, मैनू यकीन है कि असी बल्ले नाल कोहली का सर्वोत्तम प्रदर्शन देखांगे। सबका भारतीय कप्तान सुनील गवास्कर ने कहा कि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा सब तो वधिया व्यक्ति है जो भारत नू ICC ट्रॉफी तक पहुंचा सकता है। दक्षिणी अफ्रीका के बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस ने पाकिस्तान नू मौजूदा T20 विश्व कप 2021 जीतने का दावेदार करा रहा है।